नमस्कार दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसे रोज कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक जीव है फसलों के लिए और जिसे स्थानीय भाषा में रोज बोलते हैं, लेकिन ये नील गाय हैं। आप देख सकते हैं खड़ी फसल के अंदर ये बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होती है। डार होती है इसकी और एक डार में लगभग 5 से लेकर के 10, 15, 20 और कई बार तो 30-30 तक ये हो सकते हैं। इनके साथ एक ब्लैक नील गाय भी होती है जो नर होती है। एक या दो ही इस झुंड में हो सकते हैं, बाकी ये मादा जो नील गाय हैं और बेहद ख़तरनाक ये जीव हैं फसलों के लिए। किसान इनसे बहुत ही तंग आए रहते हैं क्योंकि ये खाती कम है और तोड़ फसलों को ज़्यादा देती है, क्योंकि ये जहाँ पर तेज़ गति से भागती है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ये पहुँचाती हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है ज़मींदार है वो बहुत परेशान होता है इनसे। और ये देखिए कतार में है और ये जब इनको एक खेत से दूसरे खेत में निकाला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव हो जाती है, बहुत तेज़ गति से दौड़ती है और यही एक वजह है कि ये भागने के कारण पूरी फसलें तोड़ देती है। और कई बार ये जहाँ जम जाती हैं, एक जगह रुक जाती हैं, तो ये क्या रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ खेलते हैं और इसकी वजह से भी फसल तोड़ दी। अब ये देखिए पूरी गेहूं जो है पकी हुई है, सरसों जो है इस समय कट चुकी हैं, लेकिन सरसों पकने वाली होती है तो ये इन फसलों के अंदर छुपे रहते हैं और अचानक ये भाग खड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो है फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ये देखिए पूरा का पूरा झुंड है। ज़मींदार वैसे ही देखिए बहुत घाटे में होता है, बहुत नुकसान होता है। और अब की बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरसात, ओलावृष्टि, इन्होंने भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऊपर से ये जीव जो है ये भी ख़तरनाक हैं। हालांकि देखिए पृथ्वी पर हर जीव का जीने का रहने का अधिकार है, लेकिन जंगल नहीं बचे हैं, इसकी वजह से ये बेहद ख़तरनाक है। Thank you.